Hello students, welcome to online classes of Babu Shobaram Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. The topic that we are taking today is different schools of thought in human geography. This is an extension of the topic that we did yesterday, and today we are doing the part two, that is environmental determinism. So students, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने मानव भूगोल की विचारधाराएं करी थी, जिसमें तीन मानव भूगोल की तीन मुख्य विचारधाराएं थी, वातावरण निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। तो आज हम इस लेक्चर में वातावरण निश्चयवाद को थोड़ा विस्तार से करेंगे। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में जो मुख्य जिन ज्योग्राफर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वे जर्मन विचारधारा वाले, वो जर्मन ज्योग्राफर्स थे, इसलिए हम इसको मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा का विकास भी कहते हैं, यानी वातावरण निश्चयवाद। इसको हम डेवलपमेंट ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जर्मन्स ने ही इसका प्रारंभ किया और वातावरण निश्चयवाद जर्मन ज्योग्राफर्स की ही देन है। सबसे पहले हम जिन ज्योग्राफर को ले रहे हैं वे हैं कैंट और इमैनुअल कैंट या ई कैंट। इमैनुअल कैंट एक जर्मन वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। वे कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में 1746 से 1796 तक भौतिक भूगोल का अध्यापन कार्य करते रहे। भौतिक भूगोल उनका बड़ा ही पसंदीदा विषय था और उसके ऊपर उनको बहुत उनका बहुत विस्तार से उनको नॉलेज थी। कैंट ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा की और इसे एक वैज्ञानिक रूप दिया तथा दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध स्थापित किया। कांट के मतानुसार भौतिक भूगोल प्रकृति का एक सामान्य ज्ञान है जिसमें इतिहास तथा अन्य सभी प्रकार के भूगोल का समावेश है। इनकी प्रसिद्ध भौतिक भूगोल की पुस्तक फिजिश ज्योग्राफी में मानव भूगोल के पार्थिव एकता सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी का स्पष्ट आभास होता है। इस पुस्तक में वनस्पति, जंतुओं और मनुष्यों के वितरण की समीक्षा की गई है, जिसमें प्राकृतिक भूगोल का मानव इतिहास पर प्रभाव स्पष्ट किया गया है। कैंट ने वातावरण की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया है, परंतु इस विषय को अधिक विस्तार से प्रतिपादित नहीं किया है। इनकी पुस्तक में यूरोप के विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न मात्रा में उन्नति होने का कारण वातावरण बताया गया है। यानी कैंट इस बात को मानते हैं कि यूरोप ने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रगति की है, उसका कारण वहाँ की प्रकृति या वातावरण है। वहाँ का वातावरण इतना अनुकूल है कि वो बहुत प्रोग्रेस कर पाए। कैंट के पश्चात भूगोल को एक महत्वशाली विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय दो विद्वानों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को है। ये दोनों कैंट के मतों से प्रभावित थे। दूसरे जो वातावरण निश्चयवाद को जो सपोर्ट करते हैं वो दूसरे ज्योग्राफर हैं हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो 1769 से 1859 तक जिनका जीवन काल था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बड़े विख्यात जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भौमिकी, जियोलॉजी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और रसायन, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, भूगोल और इतिहास में अनेक अनुसंधान किए थे। उसने लगभग 40 वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे थे। हम्बोल्ट का भौगोलिक दृष्टिकोण बहुत कुछ रिटर के दृष्टिकोण के समान था। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों यानी नेचुरल हिस्ट्री और प्रादेशिक वितरण के भेदों को स्पष्ट किया है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस में संसार के प्राकृतिक इतिहास और प्राकृतिक भूगोल के अंतर की व्याख्या कांट के विचारों के अनुसार की गई है। इन्होंने पृथ्वी के निर्जीव तल और जीवधारियों यानी वनस्पति, जंतु और मानव जगत के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया है। हम्बोल्ट की यह विचारधारा मानव भूगोल को एक प्रमुख देन है। हम्बोल्ट ने माना कि मानव प्रजातियों में शारीरिक लक्षणों के अंतर इस कारण होते हैं कि मनुष्य पर उसके निवास क्षेत्र की प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। और ये स्टूडेंट्स कुछ हद तक सही भी है। किस प्रकार का किसी की चमड़ी का रंग होगा या बाल होंगे या उसका फिजिकल मेकअप किस प्रकार का होगा, इस पर निश्चित रूप से प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को बदलने या अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, परंतु पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य अपने निवास क्षेत्र को मिट्टी, जलवायु तथा ऋतु परिवर्तनों से कम प्रभावित होता है, क्योंकि वह अपने बुद्धिबल से प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण को कम कर देता है। इसके अतिरिक्त
मनुष्य में एक आश्चर्यजनक क्षमता ऐसी होती है कि वह उसके द्वारा अपने आप को सभी प्रकार की जलवायु में रहने योग्य बना लेता है। परंतु बुद्धिबल और क्षमता होते हुए भी मनुष्य सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन या टेरेस्ट्रियल लाइफ से नितांत संबंधित है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता यूनिटी ऑफ नेचर में विश्वास करता था। वह मानते थे कि समस्त पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक समस्त प्रकृति में केवल एक आत्मा व्याप्त है। पत्थरों, पौधों, पशुओं और मानवों में भी केवल एक जीवन या वन लाइफ उद्भूत है। इन्होंने कई प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन प्रकाशित किया था, जैसे मेक्सिको, क्यूबा, ब्राजील का पठार आदि। परंतु इन्होंने भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन रीजनल स्टडी की अपेक्षा क्रमिक अध्ययन या सिस्टमैटिक स्टडी पर ज्यादा बल दिया था। हम्बोल्ट तथा रिटर में मुख्य अंतर था कि हम्बोल्ट ने क्रमिक भूगोल या सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को जन्म दिया था, अर्थात इन्होंने भू आकृतिक, जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, वनस्पति भूगोल आदि के अध्ययन को ही मुख्य स्थान दिया था। परंतु रिटर प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी के पक्षपाती थे। हम्बोल्ट पर कांट के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि रिटर ने सिर्फ प्रदेश को डिस्क्राइब किया, जबकि हम्बोल्ट ने उस प्रदेश की साइंस या प्रकृति को पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। कार्ल रिटर भी एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी काल में गणित, दर्शन, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया था। कॉलेज में शिक्षा पूर्ण होने के बाद वे 20 वर्ष तक प्राइवेट अध्यापक का काम करते रहे। रिटर में भौगोलिक अध्ययन की स्वाभाविक रुचि थी। 1804 में रिटर ने अपनी प्रथम पुस्तक यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण, यूरोप अ ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल पेंटिंग प्रकाशित की थी। इसके 2 वर्ष बाद उन्होंने यूरोप के 6 मानचित्र प्रकाशित किए थे। रिटर की सबसे विख्यात ग्रंथमाला अर्डकुंडे 1817 में प्रकाशित होनी आरंभ हुई। इसमें 19 ग्रंथ थे, यानी 19 ग्रंथों की एक कड़ी थी अर्डकुंडे। इन प्रकाशनों से उनको बड़ी ख्याति मिली। पूरे विश्व ने उनकी किताबों को पढ़ा और 1827 में रिटर का संबंध हम्बोल्ट से हुआ और दोनों विद्वानों ने अपने विचार विनिमय के द्वारा भूगोल के विकास में योगदान दिया। मानव भूगोल के विकास में रिटर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मत था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर सबसे अधिक गहरा संबंध होता है और एक के बिना दूसरे का ठीक से वर्णन नहीं होता, इसलिए इतिहास और भूगोल कभी पृथक नहीं किए जा सकते। भूमि का प्रभाव उसके निवासियों पर होता है और निवासियों का भूमि पर होता है। उन्होंने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो वातावरण के निश्चयवाद को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि मानव की प्रकृति और भूमि का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है। उन्होंने भूगोल के अध्ययन को मानव पर केंद्रीभूत किया। वह मानते थे कि भूगोल का उद्देश्य है कि पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर किया जाए, जिसमें मानव और उसके इतिहास तथा निवास प्रदेश के संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। रिटर यह मानते थे कि पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक घटना का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य को शिक्षा मिलती है। उनके ग्रंथ अर्डकुंडे में पृथ्वी तल का विभाजन राजनीतिक भागों की अपेक्षा प्राकृतिक भागों में किया गया है। और ये सही भी है कि प्राकृतिक यदि विभाग होते हैं, बीच में पर्वत या नदी या कोई समुद्र आ जाता है, तो उसी हिसाब से फिर पृथ्वी बाद में राजनीतिक तरीके से विभाजित हो जाती है और इस प्रकार प्राकृतिक भूगोल का ढांचा तैयार किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने निश्चयवाद के तीन ज्योग्राफर्स को पढ़ा है, जिन्होंने मानव निश्चयवाद को मजबूत बनाया या मानव वातावरण निश्चयवाद को जिन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति का कि निश्चयवादी फोर्सेस जो हैं वो मानव के ऊपर लगती हैं और मानव को उसी के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है या पृथ्वी के ऊपर निवास करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बस इतना ही। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस BA Part 2 के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।